राम मंदिर मामले पर आने वाले माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के चलते उत्तर प्रदेश हाई अलर्ट पर है। खास तौर पर अयोध्या, वाराणसी और मथुरा ज्यादा संदिग्ध है। यहां पर खुफिया विभाग के साथ स्थानीय स्तर पर पुलिस प्रशासन हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है। सोशल साइट से लेकर थाना और चौकी स्तर तक सभी पुलिस अधिकारियों को हर गतिविधियों पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के चलते श्री कृष्ण जन्मभूमि की सुरक्षा व्यवस्था को परखने के लिए दिल्ली आईबी के डायरेक्टर आईजी आगरा डीआईजी के साथ अन्य पुलिस अधिकारी श्री कृष्ण जन्मभूमि लेने पहुंचे। दिल्ली आईबी के डायरेक्टर ने पुलिस अधिकारियों के साथ श्री कृष्ण जन्मभूमि में लगे सुरक्षा कर्मियों की स्थिति जाने, साथ ही सुरक्षा के तौर पर प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों को भी चेक किया। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने आई टीम ने श्री कृष्ण जन्मभूमि परिषद का बारीकी से निरीक्षण किया और मौजूद सुरक्षा कर्मियों से बातचीत भी की। निरीक्षण के बाद टीम ने सुरक्षा व्यवस्था में लगे LIU अधिकारी, पुलिस अधिकारी और SSP और SP सुरक्षा के साथ बैठक की, जिसमें यहां पर व्यवस्थाओं पर बात की गई। वहीं इस दौरान पुलिस की मुस्तैदी को परखने के लिए एक मॉक ड्रिल भी की गई, जिसमें सुरक्षा बलों के उत्साह को परखा गया। कल भी मौजूद हुई थी और अलग अलग लोकेशन पर मॉक ड्रिल कराई गई है। सभी लोकेशन का अलग अलग समय रखा तो गया है। सर, आज बैठक हुई है, क्या मॉक ड्रिल भी हुई है, क्या किसको लेकर गई है? ये बेसिकली स्थायी समिति की मीटिंग होती है, हर 3 महीने में होती है। इससे पहले पुलिस के मामले में 3 महीने के पुनः की गई है। इसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट से अधिकारी सम्मिलित होते हैं, फायर विभाग से, मेडिकल विभाग से, सुरक्षा मुख्यालय से, मंडल मुख्यालय और जिला मुख्यालय और सारे अधिकारी और यहाँ के उसकी सिक्योरिटी सीआरपी सारे पहले कॉम्प्रिहेंसिव रिजल्ट के साथ ब्रीफिंग अनुपालन और इन सब चीज़ों के बाद में मॉक ड्रिल्स की भी ब्रीफिंग की गई है। कुछ चीज़ें बताई गई हैं आगे करने में, कुछ जो हम लोग की चीज़ें आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, किसी संदर्भ में स्थायी समिति की मीटिंग आज की। सर, वैसे तो हर 3 महीने पर होती है, लेकिन जब अयोध्या का फैसला आने वाला है उसको लेकर के कितना इंपॉर्टेंट माने आज की बैठक? हम लोग, आपने देखा होगा, आप लोगों ने भी कवर किया कि पिछले लगभग 2 से 3 महीने से हम लोग लगातार यहाँ पर अलर्टनेस की, जन्माष्टमी के त्यौहार के पहले से और यहाँ पर और रिसोर्सेज यहाँ पर 3-4 महीने से यहाँ पर दिए गए, उसी उसका भी आज रिव्यू किया गया था कि रिसोर्सेज यहाँ पर दिए गए हैं क्या स्थिति है और काफ़ी यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट सप्लाई फॉर्म हैं, यहाँ पर और सुपर डॉग्स वगैरह भी आए हैं, ड्रोन कैमरा भी दिया गया है और जो बाकी जो चीज़ें हैं इंदौर की बीच की मंत्रणा की, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर। सर, कुछ आतंकवादी और संदिग्ध पकड़े गए? ईदगाह के कमेटी के पदाधिकारियों को आप बातचीत हुई थी, ट्रस्ट के लोग हैं उनसे भी बातचीत हुई थी। जब हम लोगों ने वहाँ शाही ईदगाह पे विजिट किया तो वो लोग मौजूद नहीं थे, तो उनको यहाँ पर बुलाया गया। सभी स्टेक होल्डर्स जो यहाँ थे सभी लोगों से बातचीत की, इंक्लूडिंग दी शाही ईदगाह एंड दी वो ड्रिल्स, जैसा आप बता रहे मॉक ड्रिल्स हैं, हम लोगों ने कई बार कराई लेकिन वो गोपनीय रूप से कराई जाती है। आज स्थायी समिति जो थी उसके द्वारा भी कराई गई थी और इसके द्वारा रिएक्शन टाइम भी चेक किया गया था। कल भी मॉक ड्रिल हुई थी, अलग अलग टाइप की मॉक ड्रिल्स हैं, अलग अलग डेज अलग अलग समय उनके लिए अलॉटेड होते हैं। आज रैंडमली कुछ मॉक ड्रिल्स करा के उनका रिस्पॉन्स टाइम चेक किया। सर, क्या किसी भी प्रकार का कोई इनपुट किसी एजेंसी से है? काफ़ी चीज़ें जैसा हमने बताया डिस्कस हुई हैं, जो कि हम लोगों को डिपार्टमेंट है जिसके तहत हम लोग कार्रवाई करें। थैंक यू सर। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।